में जो आधार कार्ड है, जो इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जो इंट्रूडर हैं, उसका ठीक से फिर से जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है कि वो सीधे आरोप अमित शाह जी पे लगा रहे हैं। कुछ तो है, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि शायद लखनऊ से इतना मैसेज उनको आ रहा है कि वो अमित शाह जी पे ही मोर्चा। किसकी जिम्मेवारी है भाई? बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, स्टेट की फोर्स होती है क्या? और दुख के साथ कहता हूँ, गिरिराज जी किस विभाग के मंत्री हैं अगर मैं किसी से भी पूछ दूँ नहीं बता पाएगा। उनके दल के लोग ने, एक दिन मैंने ऐसे ही सैंपल सर्वे किया था राज्यसभा में, किसी को यह नहीं पता था कि किस विभाग के मंत्री हैं, क्योंकि सबको पता था कि इनकी यूएसपी है कि जब सब कुछ ठीक चले तो हिंदू मुसलमान करो, इंडिया पाकिस्तान करो। बड़ी मुश्किल से बेगूसराय से निकले हैं इस बार, अब क्या करें? झटका, हलाल, इंडिया पाकिस्तान, थोड़ा इससे निकलिए भाई। संजय राउत कह रहे हैं कि जब वो आपसी मतभेद दिखने हैं, आप कहीं चले जाइए, मुंबई हो, नासिक हो, हर जगह नहीं इसका नहीं उपयोग सड़क पे कीजिए। है, परिलक्षित हो रहा है। क्षण क्षण देख रहा हूँ विधायकों की के वही हालत है। असल में जब आप सरकार चुराने की कोशिश करते हैं ना, और चुरा लेते हैं, तो वो चोरी एक्सपोज होती है, वो सीनाजोरी एक्सपोज होती है। महाराष्ट्र में तो है ही, मैं झारखंड का भी कह रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स, जो कोशिशें वहाँ हो रही हैं, अभी नहीं, लगातार कम से कम 1.5-2 वर्षों से, सारी कोशिशों को वहाँ की जो जनता है नेस्तनाबूद कर देगी। एनडीए में इलेक्टोरल कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, खासकर चिराग पासवान ने मोर्चा खोला है, जेडीयू भी विरोध कर रही है। चिराग पासवान तो यहाँ तक कह दिए कि पहले हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री का सोच है वो रिजर्वेशन के प्रति है, लेकिन इसको लेकर वो समर्थन नहीं कर इसको रहे हैं। कहते हैं बैलेंसवादी बयान। खुल के बोलिए ना, मंत्री होना महत्वपूर्ण है, लेकिन वही जिंदगी की आखिरी मंजिल नहीं है ना। संविधान की रवायतों, संविधान की शपथ लेते हैं ना, उन रवायतों को की अगर धज्जियां उड़ाई जाए। तेजस्वी जी ने तो फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोनों मसलों पे, चाहे SC ST वर्गीकरण का मसला हो या लेटरल एंट्री का हो। 2018 में मैंने स्वयं लेख लिख करके तब आगाह किया था कि ये सोच संविधान विरोधी सोच है, ये दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी सोच है। इस सोच के साथ खड़े होने का मतलब है कि बाबा साहब को आपका माल्यार्पण करना बेमानी है, बेईमानी है, डिसऑनेस्टी। और मैं समझता हूं कि तनिक भी अगर प्रधानमंत्री जी उस सोच को चाहते हैं, जब संविधान को चूमते हैं, तो वो चुंबन कार्यशैली में परिलक्षित होना चाहिए, जिसका अभाव देख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट सू मोटो सुनवाई जो इंतजार हुआ किया आज जाए। सदन में बिल्कुल, हमारे जम्मू कश्मीर देखिए में, ऐसी घटना हुई है ना, रोंगटे खड़े हो गए। कलकत्ता में हुआ, बीते दिनों देहरादून में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, अलग अलग राज्यों में। और ये मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति का अब मसला नहीं है, लोग कर लें राजनीति। बच्चियों के प्रति ये पूरा नजरिया हमारा निर्भया के बाद भी नहीं बदला, परवरिश से लेकर के समाज और राज्य की अवधारणा में बच्चियों की सुरक्षा को ले, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, यहां मत बोलो, वहां मत बोलो, इतनी बंदिशों में परवरिश होती है और बाद में वैश्य बने की शिकार होती है। तो मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या ऑब्जर्वेशन देता है, इसका इंतजार करना चाहिए। जेकर मेडिकल कॉलेज में करप्शन की जांच गठित किया देखिए, गया है मैं कह रहा सरकार के हूं द्वारा, एक एक चीज होनी चाहिए, लेकिन वही इंतहा नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपको एक इस पैटर्न को ध्वस्त करना है ना, तो RG कर मेडिकल कॉलेज से आगे निकल करके पूरे देश में एक महफूज चाक चौबंद व्यवस्था हो, जहां कोई नेता ये ना बोले कि ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसे चल रही थी, ऐसे बोल रही थी। जो विक्टिम शेमिंग है ना, इस पर भी लगाम लगनी होगी। बाकी राज्य की जो भूमिका है, चाहे बंगाल हो या किसी में, उस भूमिका का निर्वहन हो, लेकिन समाज की भूमिका भी समाज को खुद तय करना होगा।